एमएस धोनी को लेकर आई बहुत बड़ी खुशखबरी, सीएसके के फैंस भूले हार का गम। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को बड़ी खुशखबरी मिली है। टीम के मालिक काशी विश्वनाथन ने धोनी के संन्यास के सवाल पर ऐसी बात कही है जिसकी उम्मीद सभी फैंस को थी। चेन्नई सुपर किंग्स जैसे ही आईपीएल 2024 से बाहर हुई तो उसके फैंस का दिल टूट गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या धोनी अब संन्यास ले लेंगे, क्या वो अगले सीजन में नहीं खेलेंगे। यही सवाल चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक काशी विश्वनाथन से भी किया गया है और इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। काशी विश्वनाथन ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि धोनी अगला सीजन खेल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसने चेन्नई और धोनी के फैंस की बांछे खिला दी हैं। धोनी नहीं लेंगे संन्यास। धोनी के संन्यास के सवाल पर काशी विश्वनाथन ने कहा, आप सभी लोग जानते हैं कि धोनी ही अपने सारे फैसले लेते हैं और सही समय पर ही वो इसका ऐलान करते हैं। जब वो फैसला कर लेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगला सीजन भी खेलेंगे। ये मेरी और फैंस की उम्मीद है। धोनी की फिटनेस पर करेगा निर्भर। धोनी ने आईपीएल का पूरा सीजन चोट के साथ खेला। धोनी के घुटने में चोट है और ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि ये खिलाड़ी इलाज के लिए लंदन जा सकता है। इलाज के बाद ही पता चल पाएगा कि धोनी अगले सीजन में खेल पाएंगे या नहीं। अभी धोनी के पास काफी वक्त है। धोनी के जिगरी दोस्त सुरेश रैना भी कह चुके हैं कि इस खिलाड़ी को अगला सीजन खेलना चाहिए। वैसे अगर धोनी की बैटिंग और कीपिंग की बात करें तो इस सीजन भी उन्होंने कमाल ही किया। धोनी ने इस सीजन 110 की औसत से 110 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 230 का रहा। फिनिशर की भूमिका में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। साफ है अब बात उनके पैर की चोट पर अटकती है। इसका जवाब मिलते ही धोनी का अगला कदम साफ हो जाएगा।